Today we will study difference between between or वर्सेज़ अमंग बिटवीन इज़ यूज फॉर टू आइटम्स और अमंग इज़ यूज फॉर मोर देन थ्री और टू आइटम्स ठीक है सबसे पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दे आर बिल्डिंग अ न्यू रोड बिटवीन मैनचेस्टर एंड फी शीड फील्ड फिर नेक्स्ट अमंग का जो अमंग की एग्जाम्पल में कहता है दैट ओल्ड टेम्पल इज़ हिडन अमंग ट्रीज़ ओल्ड टेम्पल अमंग ट्रीज बहुत सारी ट्रीज़ की बात कर रहा है और मैनचेस्टर और शिफ uh, फील्ड जो है वो दो चीज़ों के बारे में फिर सम सम टाइम बिटवीन इज़ यूज विद मोर देन टू थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल आवर हाउस इज बिटवीन द वुड, द रिवर एंड द विलेज यानी कि तीन से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है अगर उस सेंटेंस को देखा जाएगा लेकिन नेक्स्ट कहता है कि अमंग व्हेन द आइटम्स आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप और आर नॉट स्पेसिफिकली नेम्ड ग्रुप पार्ट ऑफ द ग्रुप बट नॉट स्पेसिफिकली नेम लाइक द सीक्रेट वाज स्प्रेड अमंग द क्राउड क्राउड में कोई भी हो सकता है तो इसलिए अमंग इस्तेमाल किया गया है वन नेमिंग डिस्टिंग इंडिविजुअल आइटम डिफरेंट इंडि आइटम्स हैं उनके लिए भी बिटवीन यूज हो सकता है आई एम ट्राइंग टू डिसाइड बिटवीन दथलैटिक शूज बूट्स और हाई हीस नेक्स्ट अमंग डिस्क्राइबिंग समथिंग That is in the middle of many things, no uh, definite part. Like for example, she lives in that house among the trees. But next is uh, use between to connect times or numbers. A child develops rapidly between the age of 13 and 16.